there are severe actions, people lost on important roles, important jobs. Do you think the same will happen in Bollywood? I want it to. This will be the precedent. अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा. It's as simple as that. नाना पाटेकर जैसा चिंदी चोर को अगर तुम गिरा नहीं सके तो तुमको लगता है तुम बड़े बड़े एक्टरों को, बड़े बड़े डायरेक्टरों को, किसी को भी गिरा सकते हो? मी टू मूवमेंट में अच्छे अच्छे दिग्गज हॉलीवुड के, हार्वी वाइंस्टाइन, उसने ऑस्कर्स जीते थे जो वहाँ के नेशनल अवार्ड्स और इसके बराबर, उसके भी ऊपर की बात है. जो हॉलीवुड मूवी होती है वो पूरे दुनिया में जाती है. हमारी मूवीज़ सिर्फ हिंदुस्तानी देखते हैं और दूसरे देशों में जो हिंदुस्तानी सेटल्ड है वो देखते हैं. हॉलीवुड मूवीज़ पूरे देश में सैकड़ों लैंग्वेजेस में डब होके लोग देखते हैं. कितनी बड़ी इंडस्ट्री है. तो वहाँ का अगर सबसे टॉप प्रोड्यूसर था जिसने कितने ऑस्कर्स जीते थे, अगर उसको गिराया गया और यहाँ पे एक चिंदी नाना पाटेकर को अगर कोई बाल बाका नहीं कर सकता तो लानत है. लानत है हमारे देश पर. ये चिंदी चोर है कंपैरिजन में. ये बड़े एक्टरों के आड़ में अपना करियर चला रहा है. इसकी खुद की कोई पोजीशन नहीं है. रजनीकांत ने इसको काला नहीं दी होती तो इसको कोई नहीं पूछता. अक्षय कुमार ने उसको वेलकम और वेलकम बैक और ये सारी पिक्चरें नहीं दी होती, उनको कोई नहीं पूछता. शाहिद कपूर गणेश आचार्य के साथ काम नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा. इनकी औकात नहीं है.